नमस्कार, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। देश दुनिया की पांच बड़ी खबर देखने वाले हैं अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है परिवहन निगम की ओर से। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ सार्वजनिक परिवहनों को चलाए जाने की यहाँ पर मुहिम चल रही है। नितिन गडकरी जी की ओर से कुछ शर्तों के साथ जल्द होगी सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और चैनल पर आप नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहें। कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सार्वजनिक परिवहन की जल्द शुरुआत की जाएगी। गडकरी ने ट्रांसपोर्टों को आश्वासन देते हुए कहा कि 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा के बाद बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए परिवहन एवं राजमार्गों को खोलने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि गाइडलाइंस के साथ जल्द सार्वजनिक परिवहनों की शुरुआत की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें सुरक्षा बलों की हिस्ट लिस्ट में 12 मोस्ट वांटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी भी सुरक्षा बलों की हिस्ट लिस्ट में है कश्मीर के 12 मोस्ट वांटेड आतंकी। इनमें से कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइक की कहानी खत्म करने के बाद सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अब भी 12 आतंकी ही रह गए हैं। इस लिस्ट में लश्कर ए तैयबा के सलीम, हिजबुल मुजाहिदीन के डॉक्टर सैफुल्ला, मीर द रेजिस्टेंस फ्रंट के अब हमजा, अंसार गजवातुल हिंद का खालिद इब्राहिम सहित अन्य ख्यात आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। तो अभी भी मोस्ट वांटेड 12 आतंकवादियों की लिस्ट है सुरक्षा बलों के पास। और अंतिपोरा में वेगीपोरा में चल रही मुठभेड़ में हिजब कमांडर रियाज नाई के साथ डिप्टी कमांडेंट डॉक्टर सैफुल्ला मारे जाने की भी संभावना है। अगर वह बच गया है तो हिजब का अगला कमांडर हो सकता है। इसी के साथ वह सुरक्षा कर्मियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी सबसे ऊपर रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर है कोरोना वायरस को लेकर, जिसमें कोरोना वायरस में एक और अजीबोगरीब नया संक्रमण देखने को मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोरोना वायरस को लेकर बड़ी अपडेट है। कोरोना वायरस महामारी से पहले सैन फ्रांसिस्को की स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लिंडी फॉक्स के पास साल में मुश्किल से 4 या 5 ऐसे मरीज आते हैं जिनके सर्दियों के मौसम में पैरों और हाथों की उंगलियां सूजकर लाल होती हैं और उनमें दर्द की शिकायत भी होती है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने ऐसा दर्जन भर केस देखा है उंगलियों में सूजन और दर्द। फॉक्स ने कहा, अचानक ऐसे मरीज बढ़ गए हैं जिन्हें पैरों की उंगलियों में सूजन और दर्द की शिकायत है। पिछले कुछ हफ्तों से हमारा क्लिनिक ऐसे मरीजों से भरा रहता है, यहाँ तक कि ये लोग जिन्होंने पहले कभी भी पैरों और हाथों की उंगलियों में सूजन और दर्द अनुभव नहीं किया। डॉक्टर फॉक्स ने भी कहा कि समस्या इस मौसम के देखने में नहीं मिलती है। ऐसे ठंड या नम स्थितियों में होता है जब छोटी रक्त वाहिनियों में सूजन आ जाती है और दर्द भी शुरू हो जाता है, तो अक्सर सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है। इन्हें लक्षण देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और इसी के साथ बड़ी खबर है जीएसटी कारोबारियों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बढ़ी रहा था जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। तो बड़ी खबर है, सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह घोषणा की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के बाद यह घोषणा हुई है। तो जीएसटी कारोबारों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है क्योंकि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल राज्य से अच्छी खबर है, आज एक भी नया केस नहीं मिला है। देश में 49,000 से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,391 हो गई है, जिसमें से 14,183 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 33,514 और अब तक देश में कोरोना से 1694 लोगों की जान जा चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनियारी विजयन ने बताया कि राज्य में आज कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोरोना के कुछ मामलों की संख्या 502 है, जिनमें से सिर्फ 30 सक्रिय मामले बचे हैं और बाकी सभी इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। तो ये अच्छी खबर है, 13 नए कोरोना वायरस कोविड 19 मामले सामने आए हैं। आगरा में जिले में 653 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। समाचार एजेंसी
एएनआई के अनुसार 225 मरीज अभी तक ठीक हो गए हैं। आगरा के जिला अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 126 लोगों की मौत हुई और 2958 मामले सामने आए हैं। 28.71% मरीज ठीक हो गए हैं। सो गाइस, आज की 5 बड़ी खबर थी आपके लिए लेकर आए थे। अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।